हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पुर पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में अलाउ जीरो वैल्यू की एंट्री कैसे करते हैं। काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हम मार्केट में परचेज करने जाते हैं और उसके साथ में कुछ आइटम हमें फ्री में रिसीव होता है, या फिर हमारी खुद की एक शॉप होती है और वहाँ पर कस्टमर्स आते हैं और उन्हें हम आइटम जो देते हैं कुछ आइटम फ्री में दे देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास लैपटॉप की शॉप है और लैपटॉप सेल करते हैं, आपने क्या किया, एक ऑफ़र रख दिया 5 लैपटॉप्स परचेज करने पर 2 कीबोर्ड्स फ्री। तो ये जो फ्री हैं वो आपके स्टॉक से कम होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं मेंशन भी करना पड़ेगा। तो इसी पर्पज़ से हम लोग यूज करेंगे आज का टॉपिक, जो कि आपका अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री। आपको क्या करना है, टैली प्राइम या टैली ईआरपी 9 ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको आना है गेटवे ऑफ टैली पर। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, यहाँ पर इस तरीके से आपके कुछ वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बार प्रेस करना है F11। F11 जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से लेआउट आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर तुरंत F2 कीबोर्ड में प्रेस कर देना है। यहाँ पे देखेंगे इन्वेंट्री फीचर्स लिखकर आ चुका है और यहाँ पे हमें सेकेंड नंबर पर एंट्री मिलेगी इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। इसको कर लेंगे यस, वाई लिख के हम एंटर कर देंगे और इसको सारी सेटिंग्स को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर से हम वापस आ चुके हैं अपने वाउचर्स पे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम परचेज की एंट्री करेंगे, मार्केट से हम कुछ आइटम परचेज करेंगे। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, इसमें चाहे तो इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं और इस यहाँ पे हम डेट डाल देंगे, 1 अप्रैल लिखी हुई है। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम डालेंगे, पार्टी मतलब जहाँ से आइटम हम परचेज करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मोहन सेलेक्ट कर लिया, मोहन से कुछ आइटम परचेज करेंगे। इसके बाद परचेज का लेजर बोला जाएगा, ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा स्टॉक आइटम। कीबोर्ड में स्पेस बटन प्रेस करेंगे, जितने स्टॉक आइटम होंगे वो नज़र आएंगे। अगर आपकी टैली में स्टॉक आइटम नहीं बने हुए हैं तो आप अल्ट सी प्रेस करके डायरेक्ट स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ ओल्ड आइटम्स को ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया लैपटॉप, लैपटॉप लिखा यहाँ पर और इसकी क्वान्टिटी डाल दी, हम यहाँ पर 2 लैपटॉप्स परचेज करेंगे और एंटर कर लेंगे। एक की कॉस्ट है 40,000, तो मैंने 40,000 लिख दिया। यहाँ पर एंटर कर लेंगे तो यहाँ पर 2 लैपटॉप्स की कॉस्ट आ चुकी है 80,000। इतना करने के बाद एंटर कर लेंगे। इसके बाद जो और दूसरा आइटम है आपको जो फ्री में मिला है उसको देना है, लेकिन वो आइटम शो कराने से पहले आपको अपने कीबोर्ड में एक सेटिंग एप्लीकेबल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको प्रेस करना है F12। F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक सेटिंग मिलेगी आपको, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। इसको कर लेंगे यस और एंट्री को कर लेंगे एक्सेप्ट। जैसे एक्सेप्ट करेंगे, फिलहाल अभी आपके सामने कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, लेकिन जैसे आप दूसरा आइटम सेलेक्ट करेंगे, जैसे लैपटॉप के साथ में एक कीबोर्ड आपको फ्री में मिल गया, तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड लिखा और देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे फ्री, फ्री लिख के एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं कीबोर्ड के नीचे फ्री लिखा जा चुका है और जितनी क्वांटिटी फ्री में मिली है वो लिख देंगे। जैसे मुझे एक कीबोर्ड फ्री में मिला है तो मैंने 1 लिख दिया यहाँ पे और एंटर कर लिया। हम रेट कुछ भी नहीं डालेंगे इसलिए क्योंकि ये कीबोर्ड हमें फ्री में मिला है, जिसकी हमें कोई भी कॉस्ट नहीं देनी है। एंटर कर लेंगे, एंटर कर लेंगे, फिर से एक बार एंटर करेंगे, नेक्स्ट एंटर। यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से सेकेंड स्टॉक आइटम हम परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ परचेज कर लिया माउस, माउस लिखा। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन आया है बट यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि माउस को हम परचेज कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट देंगे शॉप पर्सन को। तो यहाँ पे जितने माउस परचेज करने हैं वो लिख लेंगे। जैसे 5 माउस लिख लिए, एक की रेट है 200 लिख लिया, एंटर कर लिया। नेक्स्ट आइटम माउस के साथ में जो फ्री में मिला है, तो अल्ट सी करके जैसे मुझे मिला है यहाँ पे VGA केबल मिली है, तो VGA बनाया, इसको पीसेस में यूनिट डाल देते हैं और एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। अब डिस्क्रिप्शन में फ्री पूछ रहा है, मतलब डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है तो यहाँ पे हम फ्री मेंशन कर देंगे। एक बार और एंटर कर लेंगे, यहाँ पे देखेंगे VGA के नीचे फ्री लिखा जा चुका है और यहाँ पर 2 VGA केबल फ्री में मिली, तो 2 लिख दिया हमने और एंटर कर लिया। इस तरीके से आप कितने भी आइटम फ्री और पेड दिखा सकते हैं। लास्ट में हम एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई भी चीज़ें बाकी नहीं करनी है आपको। एक्सेप्ट कर लेंगे तो एंट्री आपकी एक्सेप्ट हो चुकी है, टैली ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करना है, मतलब शॉप पर्सन आपको ये इनवॉइस देगा, तो उसके लिए आपको पेजअप बटन यूज करनी है तुरंत। जैसे ही पेजअप बटन यूज करेंगे आपको यहाँ पे क्या करना है, अल्ट पी यूज करना है और एंटर कर लेना है। अल्ट पी जैसे ही करेंगे, आप एक बार और शॉर्टकट यूज करेंगे अल्ट प्लस जेड,
यहाँ पे देख सकते हैं आपका इनवॉइस फॉर्मेट इंसर्ट हो चुका है और इसको स्क्रॉल करके देखेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जितने आइटम आपने जितने प्रोडक्ट परचेज किए हैं, साथ ही में जो आइटम परचेज किया है उसके साथ में जो फ्री में रिसीव हुआ है वो भी यहाँ पे मेंशन है। देख सकते हैं यहाँ पे लैपटॉप को परचेज किया था 2 पीस में, जिसकी एक पीस की कॉस्टिंग 40,000 और 2 की हो गई 80,000। इसके साथ में हमें एक कीबोर्ड फ्री में मिला है और कीबोर्ड के नीचे फ्री भी मेंशन है। ऐसे ही माउस के साथ में VGA फ्री में थी तो VGA के नीचे भी फ्री लिखा हुआ है। इस तरीके से आप कितनी भी एंट्रीज को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, किसी भी आइटम को मेंशन कर सकते हैं और उसके साथ में कोई भी एक आइटम फ्री में रिसीव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल पे प्रॉपर बने रहिए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।